नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी। महीने का अंतिम दिवस के आसपास हम लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज हर दिन का आपको झकझोरने वाला काम, जो ड्यूटी, जो कर्तव्य हम बड़ी शिद्दत से आप लोगों के साथ निर्वहन करते हैं, इस ड्यूटी का एक ही एडवांटेज है कि हर दिन आप लोगों की सकारात्मक ऊर्जा हम तक भी पहुंचती है। 30 तारीख अमावस्या तिथि, आज का दिन आप लोगों के लिए क्या खास बन करके आया है, आज के दिन को कैसे आप सब अपने जीवन में सकारात्मकता के साथ एंजॉय करेंगे, यह है आज का खास विशेष विषय। दिन को बेहतर करने के लिए उद्यम क्या किया जाए, अर्थात प्रयोग क्या किया जाए, यह भी तो बताएंगे हम। अहमदाबाद से अब हम गाजियाबाद पहुंच चुके हैं। गाजियाबाद में अपॉइंटमेंट के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9910291850। आप लोग को पता है ये नंबर दिनेशवा उठाता है, जो आप लोगों को समय देगा गाजियाबाद मिलने का। ऐसे भी लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, लगातार नंबर्स आपके समक्ष फ्लैश होते हैं, जो गया जी में आकर के अपने पितरों के निमित्त कुछ खास करना चाहते हैं। आप लोग को पता है 22 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक हम वही रहेंगे। गया जी में आपके पितरों के पिंडदान के लिए 7 दिन का विशेष आयोजन करने जा रहे हैं। आप सब उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, हर कोई उसमें आ सकता है, अपने पितरों के निमित्त उपाय कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। खासतौर पे ऐसे लोग जो विदेशों में रह रहे हैं, बहुत सारी और जानकारियां अलग से एक कार्यक्रम हम आप तक पहुंचाते हैं, बताते हैं। भाद्रपद माह अमावस्या तिथि, चंद्रमा सिंह राशि में, नक्षत्र आज का मघा, योग रहेगा शिव, तदनुसार दिनांक 30 अगस्त दिन शुक्रवार। राहु काल सुबह 10:30 से 12 बजे तक। राहु काल में नए और शुभ काम बिल्कुल परहेज होते हैं, मना किए जाते हैं, नहीं करना चाहिए। गोलिक काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक। गोलिक काल में सब कुछ किया जा सकता है, हर एक कार्य आपके बनते चले जाते हैं। आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं और बताते हैं आज का सबसे दिव्य सटीक भविष्यवाणी मेष से लेकर के मीन तक का राशिफल। मेष राशि, रुके कार्य आपके बन जाएंगे आज। पढ़ाई के मामले में दिन बेहतर बीतेगा, शिक्षा में आ रही बाधा दूर हो जाएगी, बिजनेस आज अच्छा चलेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से जो भी बाधाएं थी, जो भी समस्याएं थी, वो समस्त समस्याओं से आज बाहर निकलेंगे, धन का लाभ हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए थोड़ी सी मुश्किलें आ रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में कुछ समस्या गंभीर हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पर आंच आ सकती है। किसी तरह से जो आपके सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उनके साथ तालमेल गड़बड़ होगा। गवर्नमेंट सेक्टर, समस्याएं यहां सॉल्व हो जाएंगी, हर प्रकार से आज प्रसन्नता रहेगी, कुछ परिस्थितियां प्रतिकूल होते होते अनुकूल हो जाएंगी। दाम्पत्य जीवन, मेष राशि, समय अनुकूलता लेकर के आया है, दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की दिक्कत नहीं रहेगी, तालमेल बहुत अच्छा सेट होगा, शुभता बढ़ेगी, आज रिश्ते में प्रगाढ़ता आएगी, गहराई आएगी। लव लाइफ, यहां स्थिति डामाडोल है, प्रेम संबंधों में कुछ नोक झोंक आज बढ़ सकता है, प्रेम संबंधों में समस्याएं आ सकती हैं, प्रेम संबंध आज प्रभावित होंगे। मेष राशि, स्वास्थ्य के मामले में आज किडनी की समस्या, सांस की दिक्कत और थोड़ी बहुत पेट की समस्या हो सकती है, क्या उपाय करना चाहिए मेष वालों को? आज के दिन किसी सुहागन महिला को कुछ खाने पीने की वस्तु दान कर दीजिए, उपहार दे दीजिए, क्या नहीं करना है। आज किसी बड़े के साथ जवाब तलब नहीं करना है, लाल रंग शुभ है, 57% का भाग्य आपके साथ है। वृषभ राशि, पढ़ाई के मामले में आज का दिन बहुत अनुकूल रहेगा, हो मन लगा करके पढ़ेंगे आप, शिक्षा क्षेत्र में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, शिक्षा क्षेत्र में लाभ के अवसर बनेंगे, शिक्षा क्षेत्र आपके लिए आज एक ऊंचाई तक पहुंचने का कारण बनेगी। बिजनेस, स्थिति डामाडोल है भैया,
लाभ के अवसर हाथ से निकल जाएंगे। कुछ षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं। आज रुपए पैसे में किल्लत आ सकती है। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए बहुत अनुकूल रहेगा। हर लिहाज से लाभ के अवसर बनेंगे। आज प्राइवेट सेक्टर में कोई दिक्कत ऐसी नहीं आएगी। मानसिक शांति मिलेगी। नई नौकरी की संभावना बन रही है। गवर्नमेंट सेक्टर, आपके लिए आज कुछ दिक्कतें हैं जो स्वतः दूर हो जाएंगी। नई नौकरी आज आपके हाथ तक अपने आप चल के आ रही है। कोई परिस्थिति आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर देगी। गवर्नमेंट सेक्टर में वाहन का सुख मिल रहा है। दाम्पत्य जीवन आज थोड़ा सा टफ बीतेगा। पति पत्नी के बीच तनाव की स्थिति बढ़ रही है। कुछ बच्चों को लेकर के आज परिस्थितियां खराब हो सकती हैं। लव लाइफ, समय अनुकूल रहेगा। समस्याएं दूर हो जाएंगी। धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। रुके काम बन जाएंगे। मामला सेट रहेगा। लव लाइफ, मामला थोड़ा सा डाउन हो रहा है। सोच समझ करके फैसला लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि लव लाइफ में लेने के देने पड़ जाए। शादी की चर्चा टाल दीजिएगा। निर्णय लेने से पहले किसी बड़े से सलाह मशवरा कर लीजिएगा, भले ही वो दोस्त हो। स्वास्थ्य, आज सर्दी जुखाम बढ़ सकता है। शरीर में भारीपन रहेगा। दोपहर के बाद बुखार की शिकायत रहेगी। क्या उपाय करना चाहिए? आज शिव शरण में रहें। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जितना हो सके जाप करें। क्या नहीं करना है? अगर आपकी राशि वृषभ है तो आज किसी से भी झूठ नहीं बोलना है। केसरिया रंग शुभ है। 71% का भाग्य आपके साथ है। मिथुन राशि, किसी अजनबी की वजह से आज पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। शिक्षा में कुछ प्रबल बाधाएं आ रही हैं। शिक्षा क्षेत्र में अकस्मात रुकावट आ सकती है। पढ़ाई आज बाधित है। धन को लेकर के भी कुछ समस्याएं आ सकती। बिजनेस अच्छा चलेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से हो रहा घाटा बंद हो जाएगा। कुछ नए एग्रीमेंट हो सकते हैं। कहीं टेंडर वगैरह अप्लाई किए होंगे, मिल जाएगा। खासतौर पर प्रॉपर्टी के व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। मिथुन राशि, 30 अगस्त प्राइवेट सेक्टर। नौकरी पे आंच आ सकती है। कोई दोस्त षड्यंत्र कर सकता है। आज पर्सनल मैटर की वजह से नौकरी में मन नहीं लगेगा। बिजनेस फिर भी चल रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए समय अनुकूल रहेगा। प्रमोशन के चांसेस हैं। आज ट्रांसफर के ऑर्डर भी आ सकते हैं। दोपहर के बाद बॉस के साथ किसी व्यक्तिगत मसले पर कुछ बहस हो सकता है। दाम्पत्य जीवन मामला बिल्कुल सेट रहेगा। मैरिड लाइफ में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। मिथुन राशि, 30 अगस्त शुक्रवार। आज मैरिड लाइफ बम बम है। लव लाइफ, यहां मामला टफ रहेगा। प्रेमी प्रेमिका के बीच कुछ तनाव की स्थिति आ रही है। विचार करके फिर कदम बढ़ाइएगा। क्या उपाय करना है? आज मिथुन राशि वालों को एक बात का ध्यान रखना है। अपने मन की बात किसी से साझा मत करिएगा। और उपाय के तौर पर आज ब्लू कलर नीला रंग धारण कर सकते हैं। नीले की ही शुभता है। 66% का भाग्य आपके सानिध्य में है। कर्क राशि, शिक्षा क्षेत्र में उन्नति है। पढ़ाई खूब मन लगाकर होगी। आज शिक्षा क्षेत्र में आ रही हर रुकावट दूर हो जाएगी। एक दूसरे का साथ रहेगा। कुछ परेशानियां जो थीं वो आज दूर हो जाएंगी। कर्क राशि, 30 अगस्त बिजनेस। व्यापार अच्छा नहीं चलेगा। आज बिजनेस में कुछ प्रबल घाटा हो सकता है। व्यापारिक दृष्टिकोण से प्रतिकूलता बढ़ सकती है। विचार सोच समझ कर करके फिर कदम बढ़ाइएगा। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन प्राइवेट सेक्टर में लाभदायक है। कर्क राशि वालों को आज प्राइवेट सेक्टर में कुछ उन्नति ऐसी मिल सकती है जो हर लिहाज से आपको बहुत सकारात्मक ऊर्जा दे। कर्क राशि, आज कहने के लिए कर्क वालों को गवर्नमेंट सेक्टर में बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन दोपहर के बाद धन का लाभ, संपत्ति का लाभ, वाहन का लाभ मिल रहा है। आज रुके धन की प्राप्ति हो जाएगी।
दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलेगी मैरिड लाइफ में, अपितु कर्क वालों को कुछ खास लाभ भी मिल सकता है। क्या उपाय करना है बताएंगे, लव लाइफ जानते हैं। आज लव लाइफ में रुकावटें दूर हो जाएंगी, आज हर लिहाज से सकारात्मकता रहेगी, लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। लव लाइफ में कुछ विशेष लाभ होने जा रहा है, डेट पर जा सकते हैं। क्या उपाय करना है, आज कर्क राशि वालों को उपाय बताएंगे, लेकिन स्वास्थ्य जानते हैं ना, हेल्थ वाइज हार्ट की प्रॉब्लम आज होगी, किडनी में कुछ समस्या आ सकती है, आज पुरानी किसी बीमारी के एकदम से बढ़ जाने की संभावना है। उपाय के तौर पर आज के दिन एक चुटकी नमक किसी पौधे के नीचे डाल दीजिएगा। क्या नहीं करना है, आज कर्क राशि वालों को ब्लैक कलर नहीं पहनना है, हरा रंग शुभ है, 55% का भाग्य आपके साथ है। सिंह राशि, अनावश्यक उलझने परेशान कर सकती हैं, मानसिक अशांति की वजह से आज बिल्कुल भी आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, शिक्षा एकदम से प्रभावित हो रही है, शिक्षा क्षेत्र में कुछ प्रबल बाधाएं आ रही हैं, आज बिजनेस अच्छा चलेगा, अकस्मात धन की प्राप्ति होगी, नया व्यापार आरंभ कर सकते हैं, व्यापार को फैलाव दे सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर नौकरी में ठहराव लाइएगा, इधर उधर भटकना बंद करिए, किसी मित्र के झांसे में आकर के वर्तमान अर्थात प्रेजेंट जॉब को छोड़िएगा मत। सिंह राशि, गवर्नमेंट सेक्टर, किसी बात को लेकर के बॉस आज आंख दिखा सकते हैं, सावधान रहिएगा, बॉस के साथ तालमेल बहुत अच्छे से सेट करने की कोशिश करिएगा। सिंह राशि, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य में चला आ रहा दोष खत्म होगा, पति पत्नी तालमेल बैठेगा, आज घूमने टहलने का कार्यक्रम बन सकता है, मूवी शो भी जा सकते हैं। आज का दिन सिंह राशि वालों को उपाय क्या करना है ये जान लीजिए। सिंह राशि वालों को पहले लव लाइफ बता देते हैं, लव लाइफ के मामले में दिन अच्छा रहेगा, समस्याएं दूर रहेंगी, हर लिहाज से तालमेल अच्छा बैठेगा, कोई गलतफहमी आज दूर हो जाएगी। सिंह राशि, उपाय के तौर पर बताएं, पहले स्वास्थ्य, जोड़ों में दर्द रहेगा आज, बैक की प्रॉब्लम भी हो सकती है, दोपहर के बाद कुछ ब्लड इन्फेक्शन वगैरह की शिकायत हो सकती है। उपाय के तौर पर आज सफेद रंग आपके लिए बहुत सकारात्मक ऊर्जा का पुंज बनकर के आएगा, सफेद रंग धारण कर लीजिएगा। क्या नहीं करना है, दूसरे के घर का भोजन अवॉइड करिएगा, सफेद शुभता है, 58% का भाग्य आपके साथ है। कन्या राशि, दिन बेहतर बीतेगा, शिक्षा क्षेत्र में आ रही बाधा दूर हो जाएगी, खूब मन लगाकर की पढ़ाई होगी, आज एजुकेशन लोन वगैरह सैंक्शन हो जाएगा, विदेश जाकर की भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, इंटरव्यू वगैरह में सफलता मिलेगी, आज खूब मन लगाकर पढ़ाई करने का आनंद ही कुछ और रहेगा, बिजनेस आज प्रभावित होगा, धन का हानि हो सकता है, रुपए पैसे के मामले में आज कुछ समस्याएं गंभीर हो रही हैं, शिक्षा के मामले में अच्छाई थी, बिजनेस ठीक नहीं है, प्राइवेट सेक्टर की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, प्रमोशन के चांसेज हैं, आज कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन की भी संभावना बन रही है, आज मन से प्रसन्नता रहेगी, कुछ विशेष लाभ के अवसर बनेंगे, सोच समझ कर लिया गया निर्णय आज बहुत सकारात्मक रहेगा, गवर्नमेंट सेक्टर की स्थिति अच्छी है, गवर्नमेंट सेक्टर में आज मानसिक शांति मिलेगी, प्रमोशन के चांसेज हैं, आज वाहन का सुख मिल रहा है, दाम्पत्य जीवन अच्छा चलेगा, दाम्पत्य जीवन में कोई विशेष बाधा थी वो आज दूर हो जाएगी, आज मैरिड लाइफ में बिल्कुल स्मूथली आज आगे बढ़ेंगे आप। कन्या राशि, क्या उपाय करना है, आज उपाय के बारे में एक बात का ध्यान रखिएगा, पहले लव लाइफ बता देते हैं, लव लाइफ ठीक ठाक रहेगा, शादी की चर्चा आज कर सकते हैं, माता पिता परिजनों का सानिध्य मिलेगा, आज कन्या राशि वालों को स्वास्थ्य के मामले में स्किन प्रॉब्लम, सांसों की दिक्कत हो सकती है, उपाय के तौर पर आज गुलाब की पंखुड़ियां शिवलिंग पर अर्पित करें। क्या नहीं करना है, ऊंची आवाज में किसी से बात मत करिएगा, गुलाबी रंग शुभ है, 51% का भाग्य आपके साथ है। तुला राशि, पढ़ाई में आज मन कम लगेगा, किसी पुरानी बात को लेकर के आज उलझने बढ़ सकती हैं,
आज परिवार में थोड़ा बहुत मनमुटाव भी हो सकता है। माता पिता भाई बहन के बीच में कुछ तालमेल की आज कमी रहेगी। आज तुला राशि वालों को सोच समझ करके बड़े फैसले लेने होंगे। पढ़ाई के मामले में आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। तुला राशि, व्यापार बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से हो रहा नुकसान आज खत्म हो जाएगा। पार्टनरशिप में आज ठहराव आएगा। साझे में आ रही दिक्कत हर तरह से दूर हो जाएगी। तुला राशि, प्राइवेट सेक्टर समस्या गंभीर है। नौकरी पर आंच आ सकती है। आज किसी बात को लेकर के बहुत गर्म बहस हो सकता है। आज प्राइवेट सेक्टर वालों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। किसी तरह का लांछन भी लग सकता है। आज गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए समय अनुकूल है। किसी तरह की समस्या नहीं रहेगी। गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ बहुत सकारात्मक होने वाला है। तुला राशि, दाम्पत्य जीवन दिन ठीक ठाक बीतेगा। मैरिड लाइफ में कुछ समस्याएं जो हो रही थी वो तो आज अपने आप दूर हो रही हैं। ससुराल से रिश्ता मधुर हो जाएगा। थोड़ा बहुत नोक झोंक होगा दोपहर के बाद किसी पुराने विषय को लेकर, बाकी सब ठीक है। लव लाइफ सिचुएशन बिल्कुल अंडर कंट्रोल है। लव लाइफ में किसी तरह की विशेष दिक्कत नहीं आएगी। लव लाइफ में हर प्रकार की बाधा दूर हो रही है। समस्याएं सदा के लिए दूर हो रही हैं। स्वास्थ्य, आज का दिन खांसी, गले की दिक्कत, फीवर और पाँव में तकलीफ हो सकती है। क्या उपाय करना चाहिए? अगर आपकी राशि तुला है तो आज बस एक उपाय आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। आज किसी जरूरतमंद को कुछ पैसा दे दीजिएगा। क्या नहीं करना है? आज अपने राज रिवील नहीं करने हैं। बैगनी रंग शुभ है। 56% का भाग्य आपके साथ है। 27 वृश्चिक राशि। आज वृश्चिक राशि वालों के लिए स्वास्थ्य खराब होने के कारण पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। दिनांक 30 अगस्त वृश्चिक राशि वालों के लिए पढ़ाई आज कुछ बहुत मुश्किल का कारण बन सकता है। कहीं एग्जाम वगैरह होगा तो उसमें भी मुश्किलें आ सकती हैं। शिक्षा क्षेत्र में आज ओवरऑल मिला जुला करके समय ठीक नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, तो कोशिश अपनी तरफ से बढ़ाकर करनी होगी। बिजनेस अच्छा चलेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से आज पैसा अच्छा आ रहा है। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए समय बिल्कुल संकेत अच्छे हैं। नई नौकरी की संभावनाएं बन रही हैं। हर लिहाज से समस्याएं सदा के लिए दूर हो रही हैं। आज वृश्चिक राशि वालों के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में वाहन से कुछ चोट चपेट की संभावना है। ऑफिस आज देर से पहुंचने की वजह से बॉस नाराज हो सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ बड़ी समस्याएं भी आ सकती हैं, वो आपके लिए ठीक नहीं है। वृश्चिक राशि, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और अब दाम्पत्य जीवन। मैरिड लाइफ में आज कुछ इशू ऐसे आ सकते हैं जो पहले से चले आ रहे थे। आज मैरिड लाइफ आपके लिए भारी पड़ेगा। मैरिड लाइफ में एकदम से अचानक कुछ बहुत गंभीर मसले हो सकते हैं, लेकिन सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहेगा। लव लाइफ बिल्कुल क्लोज होने की कगार पर है। दोष आपकी तरफ से कतई नहीं रहेगा। देखिए, एक चीज मैं बताता हूं आपको, वृश्चिक राशि वालों के लिए जो कि बहुत करीब की राशि है मेरे, इनसे बड़ा आदर्श प्रेमी चाहे मेल हो या फीमेल हो मुश्किल है। इसलिए नहीं कि करीब है, बल्कि इसलिए क्योंकि यही सच्चाई है। इतिहास उठाकर देख लीजिएगा। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के मामले में आज आंख और पेट की दिक्कत है आपके लिए। उपाय क्या करना है? आज के दिन ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का जाप करें। क्या नहीं करना है? अपने मन से कोई डिसीजन बड़ा मत लीजिएगा। हरा रंग शुभ है। 68% का भाग्य आपके साथ है। 68% धनुराशि, समय बहुत अनुकूल है। हर प्रकार से शुभ है आपके लिए। कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। रुके कार्य आपके बन जाएंगे। समस्याओं से बाहर निकलेंगे। पढ़ाई में मन लगेगा। बिजनेस अच्छा चलेगा। व्यापारिक घाटे की भरपाई होगी। बाहर से विदेश से कुछ शुभ संदेश की प्राप्ति हो रही है। रुके कार्य आपके बनते जाएंगे। रुका धन आपको वापस मिल जाएगा। प्राइवेट सेक्टर, नौकरी में आ जा सकती है।
नौकरी में कुछ मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। नौकरी में आज कोई आपके लिए षड्यंत्रकारी हो सकता है। आज धनु राशि वालों को नौकरी में बहुत ठहर के निर्णय लेना है। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए समय अनुकूलता लेकर आया है। गवर्नमेंट सेक्टर में हर प्रकार की बाधाएं दूर हो रही, एक दूसरे का साथ रहेगा, मतलब कलीग्स वगैरह साथ रहेंगे। कोई इल्जाम आप पर लगा होगा गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करने वालों को, धनु राशि वालों को, तो वो आज दूर हो जाएगा। बैंकर्स को थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। शनिदेव आपके लिए बहुत मेहरबान नहीं है। धनु राशि, समस्याएं दूर हो रही हैं, आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा सदा के लिए बन रही है। वाहन का सुख मिल रहा है। जमीन जायदाद में आ रही दिक्कत बाधाएं दूर हो रही हैं। आज कहीं ऑफिशियल वर्क से भेजे जा सकते हैं। मैरिड लाइफ, धनु राशि 30 अगस्त शुक्रवार। भैया यहां पर अगर आज पत्नी को झुककर प्रणाम नहीं किए तो दिन आपका अच्छा नहीं बीतेगा। भोजन की थाली से लेकर के और रात बिस्तर पर जाकर शयन करने तक नोक झोंक बढ़ता जाएगा। पति पत्नी के बीच तालमेल की आज बिल्कुल कमी दिखाई देगी। लव लाइफ अच्छा है, समस्या नहीं आएगी। शांति के साथ चीजें मैनेज हो रही हैं, परेशानियों से बाहर निकल रहे हैं। दोपहर के बाद डेट पर ना जाएं तो बेहतर रहेगा। आज किसी मित्र की वजह से लव लाइफ प्रभावित दोपहर के बाद ही हो जाएगी। स्वास्थ्य के मसले पर धनुराशि वालों को मैं ऊपर उठा रहा हूं। स्वास्थ्य पे चला रहा खर्च बोझा खत्म हो जाएगा। स्वास्थ्य सकारात्मक रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। उपाय क्या करना है? आज धनुराशि वालों को किसी बुजुर्ग को कुछ उपहार देना है, खाने पीने की वस्तु भी दे सकते हैं। क्या नहीं करना है? बड़बोलापन मत दिखाइएगा। बादामी रंग शुभ है, 52% का भाग्य आपके साथ है। मकर राशि, आज का दिन खूब मन लगाकर पढ़ने का है, पॉजिटिविटी रहेगी, पढ़ाई में मन लगेगा भी। ग्रुप स्टडी के लिए जा सकते हैं। आज धन की कमी दूर हो जाएगी। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति लगभग तय है। कोर्ट कचहरी से मुक्ति मिलेगी। कुछ विद्यार्थी होते हैं ना, कोर्ट रोड में फंस जाते हैं, जैसे नौकरी वगैरह को ही लेकर। व्यापार आज प्रभावित होगा। बिजनेस में दिक्कत आ सकती है। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय अनुकूल नहीं है। प्राइवेट सेक्टर समय अनुकूलता लेकर के आया है। नौकरी में प्रमोशन के चांसेस हैं। दोपहर के बाद इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। आज कोई मित्र बहुत करीब से मदद करेगा। बड़े उम्र के लोगों से आज मदद मिल सकती है। गवर्नमेंट सेक्टर समय अनुकूलता लेकर आया है। आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ विशेष लाभ मिलेगा। धन की कमी दूर हो रही है। रुके धन की प्राप्ति होगी। कोर्ट कचहरी में जीत मिलेगी। पति पत्नी आज एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं। पति पत्नी को आज समझदारी से काम लेना होगा। खासतौर पर मकर राशि वाली महिलाएं वाणी पर अंकुश रखें तो दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाधाएं दूर हो जाएंगी, परेशानियों से बाहर निकलेंगे। समय शुभ रहेगा। लव लाइफ, आज धड़कनों को थामना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आज कुछ परिस्थितियां प्रतिकूलता लेकर के आई हैं। मकर राशि वालों के लिए लव लाइफ अभी ठहरने का समय है। बहुत ज्यादा हबड़ तबड़ दिखाना भारी पड़ेगा। स्वास्थ्य लाभ के अवसर मिलेंगे, दवाइयां सूट करेंगी, समस्याएं दूर हो रही हैं, हर लिहाज से सकारात्मकता रहेगी। मकर राशि, क्या उपाय करना चाहिए? आज मकर राशि वालों को बस एक प्रयोग ध्यान में रखना है। आज के दिन किसी छोटे बच्चे को कुछ खिलौना आदि दे दीजिएगा। बुध चंद्रमा का बैलेंस मिल जाएगा। क्या नहीं करना है? आज अपने मन से कुछ डिसीजन मत ले लीजिएगा। ब्राउन कलर शुभ है, 57% का भाग्य आपके साथ है। कुंभ राशि, मानसिक शांति मिलेगी, रुके कार्य चलने लग जाएंगे, पढ़ाई में खूब मन लगेगा। शिक्षा क्षेत्र में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। शिक्षा आज लाभ के अवसर पैदा करेगी। व्यापार आज थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, बिजनेस के लिए टफ रहेगा। डिसीजन मत लीजिएगा, बड़ा निवेश टाल दीजिएगा। प्राइवेट सेक्टर में समय अनुकूलता लेकर के आया है। नौकरी में परिवर्तन हो रहा है। आज
पुरानी नौकरी से आगे बढ़ जाएंगे। आज धन का भी लाभ होगा। समय हर प्रकार से आपके लिए सकारात्मक है। गवर्नमेंट सेक्टर, बॉस प्रसन्न रहेगा, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, रुके धन की प्राप्ति होगी, लांछन से बचेंगे। दाम्पत्य जीवन, समय अनुकूलता लेकर आया है, पति पत्नी के बीच तालमेल बहुत अच्छा रहेगा, पति पत्नी एक दूसरे के साथ हर लिहाज से समर्पित रहेंगे। लव लाइफ, लाभ नहीं मिल पाएगा, डेट पर जाना छोड़ दीजिएगा, आज रिश्ते में खटास आ सकता है, कोई बहुत बड़ी समस्या आपको परेशान करेगी। स्वास्थ्य, सांसों की दिक्कत हो सकती है, स्किन में प्रॉब्लम रहेगी, न्यूरो प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी की समस्या आज रहेगी, हार्ट की परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करना है, आज के दिन गौ माता को रोटी खिलाइएगा। क्या नहीं करना है, आज खुद से पश्चिम दिशा की यात्रा मत करिएगा, मतलब सेल्फ ड्राइव नहीं करना एक तरह से। नीला रंग शुभ है आपके लिए, 50% का भाग्य आपके साथ है। अंतिम राशि मीन, समय आपके लिए बेहद सकारात्मकता से भरपूर्ण है, पढ़ाई में खूब मन लगेगा, शिक्षा क्षेत्र में बाधाएं दूर हो जाएंगी, शिक्षा क्षेत्र में कुछ बहुत सकारात्मक होगा, शिक्षा क्षेत्र आपके लिए सकारात्मक होके आगे लेके जा रहा है। बिजनेस के लिए समय ठीक नहीं है, निवेश से बचने की आवश्यकता है, व्यापार थोड़ा सा प्रभावित होगा, व्यापार में कुछ प्रबल बाधाएं आ सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर, समय लाभ देगा, समय से कुछ विशेष लाभ होने जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए आज का दिन नौकरी में परिवर्तन का दिन कहा जा सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर में आज बड़बोलापन भारी पड़ेगा, बॉस किसी बात को लेकर घुड़क सकता है, आप पर डांट सकता है, आज आपको बहुत शालीन और सात्विक रहने की आवश्यकता है। मीन राशि, लाभ होता रहेगा, दाम्पत्य जीवन में रुकावटों से बाहर निकलेंगे, आज मैरिड लाइफ बहुत पॉजिटिव रहेगी, मैरिड लाइफ में कुछ बहुत सकारात्मक होने जा रहा है। लव लाइफ थोड़ा सा ठीक ठीक रहेगा, सो रहेगा, लव लाइफ में थोड़ा शालीन होने की आवश्यकता है, तो निभा ले जाएंगे, बड़बोलापन यहां पर भी भारी पड़ेगा। स्वास्थ्य के मामले में कमर में समस्याएं रहेंगी, महिलाओं को आज कुछ विशेष दिक्कत हो सकती है, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, मीन राशि की है, तो आज प्रेग्नेंसी में समस्या आ सकती है। क्या उपाय करना है आपको, मीन राशि वालों को आज पीला रंग धारण करना है। क्या नहीं करना है, आज ब्लू कलर अवॉइड करिएगा, पीला रंग शुभ है, 53% का भाग्य आपके साथ है। तो भैया ये तो रहा राशियों का हाल, बढ़ेंगे आगे और जानते हैं आज का भाग्याक्षर। लेकिन हाँ, अभी हमसे गाजियाबाद मिल सकते हैं, आज भी मिल सकते हैं, आइए देखते हैं आपकी कुंडली में पितृऋण कितना प्रबल है। चलिए जानते हैं आज का भाग्याक्षर। मेष, खाक्षर वृषभ, ग्या मिथुन, ठाक्षर कर्क, आ सिंह, फाक्षर कन्या, भा धन तुला, धाक्षर वृश्चिक, था धन वाक्षर मकर, दा कुंभ, वाक्षर और मीन च, ये आपके अपने शुभ भाग्याक्षर हैं, इन्हीं को लिख लीजिए एक सादे कागज पर लाल रंग की इंक से और आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं अब आज की सक्सेस की। एक चुटकी चावल किसी पौधे के नीचे रख दीजिएगा, बस इतना सा करिए। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आज के ज्योतिष जराहट के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे, जब नौकरी पर बन आए तो एक लौंग कैसे नौकरी को बचा सकता है। बहुत प्यारा सा विषय है, अक्सर आप लोग की शिकायत रहती है कि आपकी नौकरी पर आंच आ रही है, प्राइवेट सेक्टर वाले तो बहुत परेशान रहते हैं। बहुत प्यारा सा प्रयोग, अद्भुत प्रयोग, देखना ना भूलिएगा ठीक 11 बजे ज्योतिष जरा हटके। फिलहाल हमें अनुमति दीजिएगा, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते दिन बिताएं और गया जी आना न भूलिए पितृ ऋण की शांति के लिए। नमस्कार, श्री राधे।